तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डेट 2। कल मैं आके व्लॉग नहीं कर पाया, हम सब के सब बहुत थक चुके थे और सारे इतने थके हुए थे, हमने सोचा डिनर तक नहीं करा, पता है। तो फिलहाल अभी कुछ सीन ऐसा है, अभी सब लोग उठे भी नहीं हैं, आधे लोग सो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे इसी जगह पे, व्यू भी है लेकिन अभी दिख नहीं रहा। एक तो पीछे ना यहाँ फॉग हो रही है बहुत अभी भी, वरना यहाँ से पहाड़ दिखता है, माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। अभी सुबह के बज रहे 6:30 और 6:30 बजे इतनी तेज धूप निकल गई है, गलत बात है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ है कसौनी, कसौनी में हम लोग रुके हैं ये रॉयल होटल में। नीचे रूम है, रूम टूर पे भी तुम सबको दे दूंगा मैं। और आज है सैटरडे, हम लोग निकले थे फ्राइडे को। तो आज हम लोग का सीन कुछ ऐसा बना है कि हम लोग नीचे जाएंगे, एक रुद्रप्रीत या प्रात ऐसी कुछ करके जगह का नाम है, नीचे जाकर तुम्हें और कंफर्म कर दूंगा। वहाँ एक वाटरफॉल है, लोग कहते हैं बारिश में काफ़ी एक्टिव रहता है, लेकिन अभी है या नहीं वो देखना है। तो फिलहाल यहाँ आसपास वही है, बाकी नीचे मॉल रोड है, वो देखेंगे। बाल भी अजीब सो रहे हैं, लग रहा है फिर से धोने पड़ेंगे, रात को नहा के तो सोए थे सारे। बाकी आज थोड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी खेलेंगे, तो तुम्हें और भी सीन दिखाऊंगा यहाँ के, कितनी जगह है ये, यहाँ की मार्केट्स के बारे में दिखाऊंगा, और यहाँ पे होटल होटल का तुम्हें जाते हुए बताऊंगा यहाँ पे हमें होटल क्या कॉस्ट पड़ा और खाने वाने का कितना लगा के। चलो तब तक लेन मिलते हैं अब रोज पे, बाय। तो भाइयों आज है डे 2, होटल से हम लोग बस नाश्ता वास्ता करके निकले ही हैं। और यार सही बताओ ना, कसौनी किसी को आना भी हो ना मत आना, अगर हाँ राइड के लिए आना है तो आ जाओ। रोड्स बहुत अच्छी है, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं, इतनी सब चीज़ सही है, होटल वोटल सब सही है, पर यहाँ इतना घूमने का कुछ नहीं, खाली व्यू है, माउंटेन व्यू एंड ऑल। अगर आपको व्यूज़ पसंद है माउंटेन के तो आ जाओ भाई, अपना क्या अपने को चाहिए खेल कूद मौज मस्ती, तो वो चीज़ तो यहाँ मेरे को मिली नहीं, ठीक है। तो खेल कूद मौज मस्ती के चक्कर से हम लोग इधर की तरफ ना एक नदी सी बह रही थी, ठीक है। तो अब अपन जा रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा नहाएंगे वहेंगे, पानी में ही खेल लेंगे, और तो कुछ करने को यहाँ पे है नहीं, तो बस यही है सीन। इतना दूर है पर यार सही बताऊँ मज़ा नहीं आया, अपने को तो आया नहीं, बाकी तो मैं मार्केट वार्केट है यहाँ पर नॉर्मली, ज़्यादा कुछ खास चीज है नहीं देखने लायक। बस ये है कि थोड़ा ऊपर है, राइड करना है जिन्हें वो आ सकते हैं, हाँ ये तो कहूँगा एक बार आना चाहो तो आप लोग आ सकते हो, बट मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा भाई यहाँ पे आना, यही सीन है भाई यहाँ का। अभी बाकी पानी में चलते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं, वहाँ बनाते छोटे वोटे व्लॉग व्लॉग, ठीक है। चलो बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। तो भाइयों फाइनली यहाँ कुछ चीज़ हमें एक ही चीज़ मिली, हमने खुद ही ढूंढा है, एक छोटी सी नदी, वहाँ जा रहे हैं नहाने। रास्ता कुछ ऐसा है, धूप बहुत हो रही भाई, और मैं तभी भी फिर से यही बोलूंगा कसौनी तो भूल के ही मत आना भाई, बहुत बेकार जगह। तो फिर भी ठीक होगा, हाँ सर्दियों में आ जाओ भाई, बर्फ मिलेगी फुल एक नंबर, गर्मी में पर गर्मियों में तो भाई बिल्कुल भी मत आना, दूर दूर तक तक नहाने का कुछ नहीं है। हाँ या फिर आना मानसून में, हाँ मानसून में आओ तो यहाँ पे आपका वो एक्टिव हो जाता है, एक वाटरफॉल है रुद्र करके, दूसरा लेकिन उसमें भी साहिल हमने नहीं नहाए तो हम कैसे रेफरेंस दे। हाँ वो भी है क्योंकि इतना अच्छा नहीं होगा वो, नहीं पर जैसे लोग बता रहे थे ना, नहीं इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो बारिश के पानी से भरता है, तो बारिश के पानी साफ थोड़ी होता है, रास्ता कहाँ से अब कूद जाए जो बनता जा रहा है, अब लग रहा कूदना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसे किसी की खेत पे भी मत कूद।
चलो गाइस सेकंड स्पॉट, अब ये एक पुल के नीचे आए हम। बस हमें एक यही एक अच्छी जगह मिली है जहाँ हमने थोड़ी बहुत मस्ती कर ली, नहाया वाया, खूब मस्ती की, फोटोग्राफ्स खींची। वैसे सही बता तो सोनी में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये ब्रिज भी हम लोग ने रास्ते में देख लिया था और इसके नीचे पानी था, ये रहा ब्रिज, इसके नीचे पानी था। तो हमें पता चल गया था कि यहाँ पे पानी, हम पानी के ढूंढते ढूंढते तकरीबन 18 किलोमीटर से नीचे आए। 18 किलोमीटर हम लोग अपने होटल से नीचे आए, वहाँ पर ये जगह है। और ठीक है, आप आके नहा सकते हो, मस्ती कर सकते हो, पानी भी गहरा है, जितना भी ज़्यादा गहरा नहीं है आपके, मेरे ख्याल पीठ पेट तक ही आएगा, ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, मस्ती के लिए अच्छी अच्छा स्पॉट है यहाँ पे। तो बस यही था, अभी यहाँ से निकल के हम लोग करेंगे लंच। लंच बताऊँगा कहाँ करा और वहाँ का टेस्ट एंड ऑल क्या था, क्या प्राइसिंग रही, क्या था, सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो अब लंच में मिलते हैं। रेस्टोरेंट है कसौनी की मार्केट में, खाना काफ़ी अच्छा था, दाल काफ़ी अच्छी थी और रीजनेबल रेट पे हमें मिल गया। तो कसौनी आओ तो यहाँ का खाना ज़रूर खाना, आदित्य होटल है, रेकमेंडेड है, हम लोग को तो काफ़ी अच्छा लगा था। ठीक है, गाने वाने चला रखे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा है। तो इस पेड़ के साथ की अगर फोटोज़ आपको देखनी हो ना, मेरा नीचे इंस्टाग्राम की आईडी होगी, उसमें जाना, इसकी बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, जो लोग नहीं करते हैं, मैं वहाँ पर राइड्स के अपने अपडेट वगैरह डालता रहता हूँ। तो भाई यहाँ पर किसी ने बताया है इसी पहाड़ में कहीं चीता बाघ वगैरह भी है, अब पता नहीं, हमें तो मिला नहीं अभी। एक चीज़ भी आगे दिखाऊंगा, रस्ते में कुछ मिला था। चलो चलें,
मैं कैसे करूंगा दूर, वो तो आप दूर खड़े हो ना। फोटोग्राफी का लफड़ा, और ये बंदा मानता नहीं है एमटी वाला। भाई की भाई के क्या यहाँ भाई रैप चल रहा है, यहाँ फोटोग्राफी चल रही है, हम व्यू का मजे ले रहे हैं। भाई हम लोग रस्ते में जा रहे थे, एक एक खतरनाक बच्ची ने लिए यहाँ रख के मारा है, खाया है उसे। और एक तेल पीते की हरकत है सर।